अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू खास साइंटिफिक। आज की इस वीडियो में हम आपको अनाज तैयार करने की प्रोसेस बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले मौसमी बहार की शुरुआत में फसलों के बीज बोई जाती हैं। कुछ ही दिनों के अंदर बीज में से खूबसूरत पौधे निकलना शुरू हो जाता है और हर सु हरियाली नजर आने लगता है। कुछ महीनों के बाद हर सब्ज शादाब पौधे बड़े होकर इन पर खोशे लगते हैं और फसल तैयार हो जाता है। अब सारे फसलों का रंग पीला हो जाता है। अब इन फसलों को काटा जाता है और सुखाने के बाद एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इन इकट्ठे सूखे फसलों के मजमूए को बल्ती जबान में हेरस कहा जाता है। अब इस हेरस में से फसलों को निकालकर थ्रेशर मशीन में डाला जाता है। ये थ्रेशर मशीन इन फसलों में से बीज और भूसे को अलग करता है। यूं हमारे पास साफ अनाज और भूसे इकट्ठे हो जाता है। थ्रेशर मशीन को एक ट्रैक्टर के ज़रिए से चलाया जाता है। एक तरफ से थ्रेशर मशीन में तैयार फसलों को डाला जाता है। इस मशीन में कांटेदार पुली लगे होते हैं जो कि फसल को खींच कर अंदर ले जाते हैं और थ्रेशिंग के बाद एक तरफ से अनाज बाहर निकलता है तो दूसरी तरफ से भूसा। इसी तरह से ये सारे प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है।